प्लान करें इस टाइप का दिया है तो क्या होना चाहिए क्वालिटी लीडर के पास ताकि लोग कुछ मोटिवेशन स्किल्स टाइप होना चाहिए। एक चाहिए कि आपको रोज हर हफ्ते वो एक दिन वहाँ पे आ जाए, बस यही काम है। और एक आपको अपना ये मतलब कुछ कम बोलने का लोकेशन डिसाइड कर लें कि लोकेशन कहाँ है, एक कॉमन सा लोकेशन हो और वो शहर के पास में हो और जहाँ से लोग आने में उन लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो और थोड़ा डिस्टेंस का ज्यादा डिफरेंस ना हो, वो कम कम ऐसा हो डिस्टेंस, ठीक है, सबके लिए कॉमन हो। देन वो जो लोकेशन हो वो ज्यादा नॉइज ना हो, वहाँ पे नॉइज ना हो, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि सिटी में इतना रहता है बट ज्यादा ना हो। और जो हम लोग सेशन रखें वो अर्ली मॉर्निंग का रखें। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, सब लोग फ्री रहते हैं और आके अपना कनेक्ट कर सकते हैं और जिन्हें काम होता है वो इवनिंग में दोपहर में जाके अपना काम कर सकते हैं। और फिर क्या करें उधर, अब मैं अगर हूँ तो मैं अगर इस एसएससी स्टार्ट करता हूँ स्क्रैच से तो कोई और बंदा क्यों आना चाहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसे एक एक्टिविटी मतलब उसमें एक्टिविटी करा करा के हम लोग उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो जैसे एक्टिविटी रोल प्ले कोई दे देंगे, किसी का स्पीच दे देंगे, ऐसे स्टैंडर्ड टॉक दे देंगे, तो ऐसे करते रहेंगे तो ये सही रहेगा। और उस आने से पहले ऐसा ना हो कि हम आए और हाँ मेरा नाम ये है ये, ऐसा नहीं, हम आए और उसको पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अगर प्रिपेयर करके आएंगे तो स्टैम्पिंग होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे और हम अच्छे से अपने कंटेंट को जानेंगे तो हम उसे अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। और पूरी मीटिंग जो हो तो उसमें सबको इक्वल टाइम दे, ऐसा नहीं अगर मैं बोलने फ्लुएंट हूँ तो मैं ही बोले जा रहा हूँ और जो नहीं बोल पा रहा है वो शांति पड़ा है और वो बोलना भी नहीं चाहेगा, तो हम सबको प्रायोरिटी दें और सबको टाइम दें। या थैंक यू। और या वन लास्ट पॉइंट होता क्या है, अगर ऐसे मेरी ग्रुप है चार लोग आए और छह लोग नहीं आए, वो लोग बिस्तर में अभी ठंड का मौसम है रजाई में बैठे हैं, तो हम लोग क्या करें ऐसे फोटो ले लें सेशन कि हम लोग चार लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय किए हैं, आप लोग कुछ नहीं किए, हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, हम लोग फुल एंजॉय किए हैं, ये किए हैं वो किए हैं। देन उन्हें एक वो होगा कि यार मैं तो नहीं गया, मेरे अंदर ये रिग्रेट है, अब मैं अगली बार जाऊंगा। सो ऐसा करेंगे, शेयर पिक्चर्स। थैंक यू एवरीवन। आई लाइक टू इनवाइट हिम फ्रॉम दिस ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं एसएचजी शुरू करने के लिए या जो एसएचजी शुरू होगी उसको सस्टेन करने के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई हैव अटेंडेड ओनली वन एसएचजी टिल नाउ, बट वी फाउंड दैट देयर आर टू थ्री पीपल हु हैव नेवर अटेंडेड एनी एसएचजी, लाइक जोधपुर या चोरू में कभी हुआ नहीं है और यहाँ पे केरला में हुआ नहीं है, सो दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कोई है अगर एसएचजी ग्रुप देन वी कैन फॉर्म अ ग्रुप, और ऑलरेडी कोई है तो हम लोग इन्वाइट करेंगे उसमें। तो वही जैसे कि अभी जिसने कहा अंकित ने कहा सेम पॉइंट्स है बेसिकली, सो वी हैव टू पोस्ट पिक्चर्स जो भी अटेंड करेंगे कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज किया, हमने काफ़ी एंजॉय किया, हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सो वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू जॉइन एसएचजी एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज विच आर ऑलरेडी वी हैव कैन हैव द एजेंडा एंड वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो द एजेंडा। और या मैं यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स इफ यू हैव। हेलो, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ, मैंने अराउंड 10 एसएचजी को अटेंड किया है, लेकिन हमारा ग्रुप अभी जो है ग्रोथ नहीं होता, कभी बढ़ता है 4 से 5 हो जाता है फिर वापस श्रिंक हो जाता है,
तो अभी हम लोग ने एक थोड़ा प्लान किया कि लिस्ट हम लोग एक बनाएंगे और कितने लोग अराउंड हैं हमारे आस पास, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक बार उनसे कॉन्टेक्ट होता है फिर वो दोबारा गायब हो जाते हैं। तो ऐसे उसने प्लान किया कि लिस्ट बनाएंगे और लगातार उनसे जो है कॉन्टेक्ट में रहेंगे, फोन करके बात करेंगे और जो है फोन करेंगे कि आए और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और भी उसमें एक्टिविटी बढ़ाए। एक्टिविटी भी नहीं हो सके, कोई छोटा हम लोग सोचते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस हॉल ही मिल जाए तो उसमें भी एक्टिविटी अपने करें। थैंक यू सो मच। हाँ आइए। So whatever the common things all are say the same thing. The unique thing that you can do is that agar koi like if anyone can't go to the SHG meeting who are living in the remote area, they can wear this t-shirt and they can go outside and people will notice and some might ask them, they might come and approach us, what is this t-shirt? Good point, good point. And ask the, all these questions. And also in the groups where it is active, they can make on card, like a visiting card, and you can give them to the strangers, giving all this information about our TISA organization. And the SHG, we should be active in all the, like, in the social media, Instagram, we should keep posting all the pictures and some, all the things. And the, also the one more thing is that, who can't do all these things, there is a WhatsApp group, TISA online SHG, so they can join that and they do some activities there as well. That's it. और तो अभी तो एक मैं पॉइंट आने जा रहा हूँ कि मतलब हम जो भी एरिया में रहते हैं तो उधर के जो नियर बाय स्कूल्स या फिर कॉलेजेस होते हैं तो उनके हमें कोई सीनियर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और उनसे ये बात करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे एक टीसा करके एसोसिएशन है तो जिनको भी टैम्परिंग की प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ऐसे करके उनकी टाइम टू टाइम स्मॉल स्मॉल मीटिंग होती हैं तो वो अगर अपनी स्टैम्परिंग को रिड्यूस या उसको ओवरकम करना चाहते हैं तो वो इनमें ज्वाइन हो सकते हैं और अपने स्टैम्परिंग को कम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये भी है कि मतलब मैं जिधर रहता हूँ ना तो उधर भी बहुत सारे लोगों को स्टैम्परिंग है, मतलब मेरा जो विलेज है तो उसमें ही ऑलमोस्ट 5-6 लोगों को स्टैम्परिंग है जिनको मैं जानता हूँ। तो वैसे ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा एक रिसेंटली कजन है वो भी वो उसको स्टैम्परिंग है तो वो उसका सिलेक्शन उसमें हुआ है जो भी इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटिंग पॉलिसी है अग्निव की तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ तो वो ना मुझे पहले भी ये चीज बोलता था कि ये तो क्या करता है पर ना मतलब उसे स्टैम्परिंग इतनी ज्यादा नहीं थी उसको और थोड़ी थी पर तो उसको मैं इतना ज्यादा नहीं बताता था। मैं सोचूंगा कि ये बोल रहा है तो क्या ये तो फिर लेकिन ये अभी जो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया इससे मेरा पूरा माइंडसेट किसी दूसरे फेज में हो गया तो अभी तो मैं खुद से जितना हो पाएगा मतलब मैं जिन भी लोगों को जानता हूँ जिन्हें स्टैम्परिंग है जिन लोगों को नहीं भी जानता मैं तो उन्हें मैं अप्रोच करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टीसा के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी स्टैम्परिंग को ऐसे ओवरकम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि किसी भी घड़ी किसी भी मिनट डायरेक्टर ऑफ बाबू जगजीवन राम ऑडिटोरियम दिस प्लेस जो पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी में भी गए थे वो डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, उनके साथ कुछ वीआईपी आने वाले हैं फॉर द कंक्लूडिंग सेशन।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो बस कुछ और मेहमान आने वाले हैं, उनके आते ही हम लोग इस सेशन की तरफ पढ़ेंगे, और जो साथी बाहर हैं उनको बताइए अंदर आ जाएंगे। एक तो फीडबैक हम और ले लेते हैं फटाफट इस ग्रुप से। ध्रुव का कुछ फीडबैक था कि एसएचजी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो मैंने काफी बार सुना है कि मैं छोटा सा शहर में रहता हूँ और सिर्फ मैं वो यहाँ पे झगड़ाता हूँ। तो बेसिकली 1% of all people stammer, तो आपका शहर मेरी 1,00,000 लोग है, तो 1,000 लोग होंगे आपके शहर में जो झगड़ाते हैं, क्योंकि 1% लोग झगड़ाते हैं। तो एनीवे तो आप सर्च कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके शहर में कोई एसएचजी कोऑर्डिनेटर नहीं है तो आप बन सकते हैं। आपका परमिशन है सचिन सर से, आप हाँ आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप अभी एनसी अटेंड की है, बुक भी आप कर सकते हैं, लॉज में भी आप जा सकते हैं, यू कैन लर्न मोर, लेकिन आप बन सकते हैं एसएचजी कोऑर्डिनेटर। और सबसे the person who will be benefited the most will be you. सबसे भागीदार SSG का आप ही होंगे। And the third point I want to say, if you become the SSG coordinator of your city or town, आप फिर अपने CCV पे भी आप लिख सकते हैं SSG coordinator या SSG leader or something. So it's like a point also set. Yes. क्या किसी एनजीओ का एक लीडर है, कोऑर्डिनेटर है। सो ध्रुव ने बहुत अच्छी बात कही कि ईसा में एसएचजी कोऑर्डिनेटर बनना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरकारी अधिकारी बनना में कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ इम्तहान पास करने होते हैं, लेकिन ईसा में ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी शहर में कोई भी हकलाने वाला किसी एक हकलाने वाले को लेकर किसी पार्क में मिलना शुरू कर दे, हम तुरंत घोषित कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि वो उस शहर में ईसा का कोऑर्डिनेटर है। तो ये मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स, एनीबॉडी विद इनिशिएटिव कैन स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट स्टैमरिंग। तो लेट मी इनवाइट दिस ग्रुप, ये लोग कुछ बताने जा रहे हैं कि अभी जो स्थिति चल रही है उनको और मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी आम समस्या है। किसी शहर में स्थिति शुरू होती है, 6 महीने बाद बंद हो जाती है, फिर शुरू होती है, फिर बंद होती है, तो उसको सस्टेन कैसे किया जाए। हैदराबाद में एसएचजी है, तो वो अभी लास्ट 2 वीक से एक्टिव हुई है। फर्स्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि एसएचजी जब आप इनविटेशन देते हैं तो रूप में उसका एक एम्पलेट तैयार कीजिए, और उस एक्चुअली उस एम्पलेट को अट्रैक्टिव बनाइए, उसमें पॉइंट से लिखिए कि आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, डिटेल से लिखिए, तो वो थोड़ा वही ऑफिशियल ये लगता है और काफ़ी लोग आते हैं। और मैं सेकंड पॉइंट ये कहूँगा, आप एसएचजी में थोड़ा एक्चुअली इंसेंटिव भी दे सकते हैं, जैसे वही छोटी मोटी वही पार्टी हो गई, जैसे एक्चुअली कोई समोसा हो गया वो खिला सकते हैं, तो जो भी आएगा, या फिर आइसक्रीम हो गई, ऐसा कुछ, तो फिर या फिर चाय पानी। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और समोसा खिलाने के बाद पोस्टर खींच के उसको ग्रुप पे डालना मत भूलिएगा। और फिर जैसे एसएचजी मीटिंग तो कंटिन्यूस तो किसी को करना ही होगा, लेकिन अकेला बंदा नहीं आ सकता, तो 2-3 बंदे बन के इस संडे में चले जा रहा हूँ दूसरे संडे, मतलब वो कंटिन्यूस बना ही रहे। और एक मैं और ऐड करूँगा कि फिर एक तीसरे या चौथे महीने एक ग्रैंड एसएचजी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो लोगों को उसके लिए फिर फोन कर सकते हैं, इन्विटेशन दे सकते कि यहाँ पे हम लोग अब 3 महीने बाद उसमें सीनियर ईसा के मेंबर भी आएंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो एक ग्रैंड एसएचजी का भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। और एसएचजी को जैसे प्रोफेशनली में बताया तुमने, इसके लिए आप एक स्पीकर माइक भी खरीद सकते हैं,
तो लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, उसके लिए बैंक से लोन भी मिल रहा है। और बस यही पॉइंट है, अब ग्रुप को इंगेज की जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है लखनऊ का या जो भी है, तो उसको इंगेज के इवनिंग में संडे को ऑनलाइन मीटिंग या उसमें इंगेज लोगों से करते रहिए और लोगों से बात करते रहिए, तो लोग आते रहेंगे। आखिरी बात में बस ये कहना चाहूंगा, धन्यवाद सूरज और मैं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप SHE जाने के पहले आप ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, मैं SHE में जाऊँगा मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि कई बार ये एक नकारात्मक ढंग से काम करता है। ये आपके मन में आता है कि मैं हकलाता हूँ, दूसरे हकलाने वाले से मिलूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, मैं और डिप्रेस हो जाऊँगा। नहीं, बिल्कुल, बल्कि इसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं जो भी करता हूँ, हकलाता हूँ नहीं हकलाता हूँ, लेकिन मैं सोशल आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिलने जा रहा हूँ सोशली, मैं कुछ लोगों से गपशप करूंगा, किसी पार्क में बैठ के कप चाय पीऊंगा। तो स्टैम्बरिंग को डिस्टिग्मेटाइज करना बहुत जरूरी है, स्टैम्बरिंग में जो स्टिग्मा बन गया है उसको दूर करना बहुत जरूरी, पहले अपने दिमाग से। आप ये यकीन कर लीजिए कि आपका हकलाना कोई स्टिग्मा नहीं है, आप उसको ठीक करने नहीं जा रहे हैं, आप तो सिर्फ एक अच्छा वक्त बिताने जा रहे हैं दोस्तों के साथ। इस मानसिकता के साथ अगर आप हर संडे को तैयार होंगे तो आप जरूर SHE में पहुंच जाएंगे, वरना आप ये सोचेंगे कि पिछले 7 दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाया तो मैं क्यों SHE में जाऊं। ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है तीसरा में कि कई बार लोग इंटरव्यू के पहले, जब उनका PCS का इंटरव्यू है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, उसके पहले बहुत ही नियमित रूप से आते हैं, और जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो गया है जो भी हुआ उसका आना बंद कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि स्टैमरिंग इज नॉट ए स्टिग्मा और ए डिजीज टू बी क्योर्ड और एंड्योर्ड, इट इज अ सेलिब्रेशन, ये आपकी जिंदगी का एक उत्सव है, उस उत्सव में आप औरों को भी शामिल कर रहे हैं और इसलिए आप मिलने जा रहे हैं लोगों से। तो हमारे कुछ मेहमान, कुछ हमारे VIPs यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी, और बस हम लोग थोड़ा सा और समय लेंगे आखिरी सत्र की ओर जाने के लिए। उसके पहले कोई भी ओपन माइक सेशन में अगर अभी तक नहीं बोल पाया है तो उसके लिए स्वर्णिम अवसर है, आइए और 2 मिनट के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। आइए, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला मैं पहली प्राथमिकता उनको देना चाहता हूँ, जिन्होंने अब तक एक बार भी यहाँ पे नहीं आए, तो मैं आपको मौका दूंगा संक्षेप में अपनी बात रखिए। सर, मेरा नाम राहुल है और सभी लोगों को आए हुए को मैं धन्यवाद दूंगा, और कल का मैं कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कल जब हम पार्क पहुंचे ऐसा लग रहा था जैसे सचिन सर ने उंगलियां पकड़ी हुई है और हम बच्चों को पार्क लेने करके गए, तो पहली बार इतने लोगों के साथ खुल करके बात की कि डर छू हो गया वो, और अब जो है जब पहले दिन आए थे तो सभी लोगों को देख करके डर लग रहा था, आज जब घर जाने का वक्त आ रहा है तो मन भी बैठ रहा है कि इतना कुछ सीख करके जा रहे हैं। मैंने सर को भी बोला, मेरे का सर आपसे, मैं एक्चुअली मैं मिलने ही सर से आया था मैं कि एक बार उस आदमी को देखना है जिसने इतनी आग लगा दी कि मैं दिल्ली से पहली बार ही अकेला ट्रैवल करके आया, वरना मैं कभी अकेला ट्रैवल नहीं करता, मुझे बड़ा डर था, फिर भी मैंने ट्रेन करके मैं घर पे झूठ बोल के आया हूँ कि मेरे साथ दोस्त है पर मैं अकेला ही आया हूँ। तो ये किस हिम्मत के लिए सर आपका धन्यवाद, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे सर, इसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं ताजमहल को बनाते, पर आपने तो सर ताजमहल से भी को बड़ी ऊंची चीज बना दी सर आपने। सबकी तरफ से आपकी पाँव छूंगा सर, प्लीज सर प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई साहब। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम गौरव कैसस है एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय स्टोरी। सो मुझे बचपन से स्टैमरिंग नहीं थी, बट मुझे बचपन से फास्ट बोलने की आदत थी, क्योंकि मेरे घर में काफी लोग फास्ट बोलते थे,
जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, तो सेम मुझे भी हैबिट लगी काफ़ी फास्ट बात करने की बचपन से. तो देर वॉज नो क्लैरिटी इन स्पीच अर्लियर. तो जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं ऐसे बोलता था, लोगों को समझता नहीं था कुछ. सो आई हैड टू रिपीट ट्वाइस और थ्राइस सेम सेंटेंस. उसके बाद ड्यूरिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो इंजीनियरिंग में मुझे एटीकेटीज और फेलियर आ गया, और उसके कारण मुझे एक ईयर गैप लेना पड़ा एक साल. तो उसके वजह से आई हैड गॉन टू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उस कारण मुझे फियर पूरा आने लगा और लोगों को मैं अवॉइड करने लगा कि लोगों क्या पूछेंगे कि तुमको एटीज लगी, ये सब फेल हो गए इसलिए. उसके बाद जो जैसे कि मोहित जी ने कल बोला है कि व्हेन वी अचीव समथिंग, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा. तो जैसे कि मैं अचीव करते गया, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा, फिर मैं जॉब करने लगा, फिर मैं काफ़ी कंट्रीज में घूमा, शादी हो गई, बच्चा हो गया, खुद का घर लिया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगा. तो जैसे कि जो मोहित जी ने बोला कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पावर या ग्रोथ या कुछ अचीवमेंट से हमको मिलता है, उससे भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, और आपका स्टैमरिंग कम होने में आपका फायदा हो सकता है. एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो जो मोहित जी ने कल बोला कि वी हैव टू ज्वाइन मेनी ग्रुप्स, नॉट जस्ट टीसा, टीसा तो ज्वाइन करना ही है, उसके अलावा भी जो और सोशल ग्रुप्स है लाइक रोटरी क्लब है, या और भी जो आपके सिटी में होते रहेंगे, या आपके फैमिली फंक्शन में जाओ आप, या आपके दोस्तों में जाओ आप, और ग्रुप्स ज्वाइन करो. तो जितना आप लोगों से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, घुल मिल जाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो विच हेल्प मी अलॉट. सो मैं आई वॉज एबल टू रिड्यूस माई स्पीड एज वेल एज स्टैमरिंग ऑलमोस्ट 60-70%. अभी मैं कुछ स्टैमरिंग है थोड़ी बहुत. सो मेरा प्रयास है कि मैं पूरा उसको निकाल दूँ एटलीस्ट 90-95%. सो दैट्स आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि ज्वाइन मोर ग्रुप्स, इंटरेक्ट विद मोर पीपल, सो दैट you will gain more confidence or the outlook, and when you achieve more achievement se bhi confidence aa jayega, then also it will help you to reduce your stammering. So that's my speech. Thank you. Dr. Patak, aap log jaldi taiyar hain to ye manch aapke liye intezar kar raha hai. Ali baat kar lijiye aap log. Ha, haklane walon ka ek raaz hai jo bahut kam log jante hain, wo ye कि अमूमन हकलाने वाले गाना बहुत अच्छा गाते हैं. अपना नाम बोलने में भले उनको आधे घंटे लग जाए, लेकिन जब गाना गाते तो मन करता सुनते ही रहे. सो ये बर्फी फिल्म का सॉन्ग है जिसमें मैसेज है कि लिव फ्रीली, लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी दबाव से मत आप जियो. क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पावरे, चल भटक लेना बावरे. क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही दुत सर फिरे, चल भटक लेना बावरे. इन टिमटिमाती निगाहों में, सरसराती हवाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे. क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही दुत सर फिरे, चल भटक लेना बावरे. इन चमचमाती अदाओं में, सरसराती निगाहों में टुकुर टुकुर यू देखे क्या है क्या ख्याल बावरे. थैंक यू. Standards are very good at surprising you. कोई ना कोई आपको सरप्राइज तो जरूर देते हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं लखनऊ से हूँ, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा कि
कि जब मैं छोटा था कब मुझे स्टैमरिंग हुई, तब मैं आई थिंक 10 साल का था, 9 से 10 साल का। तो मेरे एक दोस्त थे, वो बहुत ज़्यादा स्टैमर करते थे, तो हम दोनों साथ में ट्यूशन जाते थे। तो वो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो ट्यूशन टीचर जो हम दोनों को बैठा के साथ में रीडिंग के लिए कहते थे, तो वो स्टैमरिंग में बोलते थे और मैं नॉर्मली बोलता। एक दिन मैं स्टैमर कर गया, तो टीचर ने कहा अरे तू भी ऐसे कर गए। वो मुझे फर्स्ट डे याद है, तब से मैं फिर जो है, और थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू है, थोड़ा सा फैमिली में भी है, और दूसरा तब से आज का दिन है कि मैं आज फर्स्ट टाइम हूँ शायद ऐसा इस तरीके से स्टेज पर। और दूसरा मैं कई बार से कोशिश भी कर रहा था कि मुझे आने दिया जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था आना, और शायद चलिए ठीक है, कल उतना भी नोटिसेबल नहीं था। और दूसरा सर का मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जो है एक उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, अपनी मेहनत से शुरू किया, उनको एक SHG को मेंटेन करने में कितना समय लग जाता है, इन्होंने इसको यहाँ तक ले आए, ऑल इंडिया लेवल तक ले आए, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक्स कहूँगा इनको। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो बैठे हैं, मैं जो फर्स्ट डे आए थे, मैं इनकी स्पीच से भी बहुत इम्प्रेस हुआ, जिस तरह से ये मतलब आए स्टेज पे अपना मतलब प्रॉपरली इनका इन्होंने टाइम दिया अपने आप को। जनरली हम एंग्जाइटी में करते हैं कि जो हम फटाफट आके बोल देते हैं, टाइम नहीं देते, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, या तो ये बहुत दिन से बोलते होंगे, शायद वो आ गया होगा इनमें। मैं इनको थैंक्स करना चाहता था कि मुझे उस समय मौका नहीं मिला, संजोग से आज ही सेकेंड टाइम आए हैं, तो इनसे भी मतलब हम सीख सकते हैं कैसे बॉडी लैंग्वेज को स्टेज पे रखना है और कैसे टाइम देना है। और दूसरा तो मैं शायद भूल गया हूँ और क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बस यही है कि अच्छा लगा, और ये मेरा फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है मैं, और ऐसे चीज हम लोग करते रहते हैं मतलब कभी लखनऊ में समय समय पे, लेकिन कभी वो ग्रोथ नहीं कर पाया। थोड़ा ग्रोथ करता है, 4 से 5 लोग होते हैं, फिर वो श्रिंक हो जाता है, 2 ही लोग आते हैं, मैं और संतोष जी बैठे हैं, अक्सर होता है कि हम 2 ही जाते हैं वहाँ, और जो है चले आते हैं, फोटो डाल देते हैं ग्रुप में। और बाकी अच्छा लगा मुझे आप सब से, काफ़ी यंग लोग भी हैं, शायद उनकी उम्र तक तो मैं वहाँ से आते थे मेरे पैर काम नहीं लगते, लेकिन वो बोलते हैं तो मुझे देख के अच्छा लगता है। अब तो मैं राइट नाउ 35 हूँ, और शायद मैं अच्छा बोलती हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, और यहाँ पे बहुत से लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर पाठक का। उनकी वजह से हम सब यहाँ पर आज मौजूद हैं इस हॉल में, उनकी वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से शहरों से। तो डॉक्टर पाठक का फिर से एक बार आभार। अब मैं बुलाना चाहता हूँ इन दो युवा दोस्तों को जो साथ साथ आए हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम वरुण है और ये मेरा ये पर्सन सी है, तो ये मेरे साथ आई थी जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मैं सिर्फ यहाँ पे आया था अपना वो डर निकालने, क्योंकि मैंने कभी लोगों के सामने बोला नहीं है, मुझे सिर्फ बोलना था, चाहे वो कुछ भी बोलूं बट बोलना है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर इतना सब कुछ है कि इतने सालों से बोला नहीं है, तो वो एक मतलब इमोशनल भी हो जाता हूँ, तो वो दिख रहा होता है। बट यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन सब लोगों से मैं मिला है, इतने अच्छे दोस्त बने हैं यहाँ पे, बहुत मजा आया यहाँ पे, और ये जब से मेरी लाइफ में आई है तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, इसलिए मैं लकी रहा हूँ। उनके थ्रू हम वहाँ पे भी पोस्ट कर सकें,
कि वो भी उनके कॉन्टेक्ट में हो, जैसे कि उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली में भी कोई रहे, तो वो यहाँ आ सकते हैं। इस तरह मैं ये गाना चाहूँगी। सुनैद है हिंदुस्तान के एकदम आखिरी छोर से, सुजानगढ़, सुजानगढ़ एकदम आखिरी बॉर्डर है ना, उसके राजस्थान का है। जैसे मेरा सुजानगढ़ जयपुर से 100 किलोमीटर। मेरा नाम जुनैद अली दहिया है और मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। मुझे स्टैमिना की दिक्कत बचपन से ही थी और मेरे घर वाले सोचते थे कि ये लाइफ में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तब उस टाइम मुझे बहुत टेंशन और मुझे डिप्रेशन हो गया था कि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उस टाइम मैंने स्कूल छोड़ के जॉब में लग गया था। तो उस टाइम मेरी सैलरी समथिंग 8-8.5 हज़ार रुपये थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेरा बॉस इसी बंदे को बता रहा था कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो उस दिन मैंने ठा लिया था अब तो कुछ करके ही दिखाना है। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि मेरा बॉस जिस चेयर पे बैठा है या तो मैं उसके पास जाके बैठूँ, जब मैं आऊँगा तो उसको उठना पड़ेगा। तो उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। आज मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी कंपनी का नाम दहिया तारपुलिन कंपनी है। मेरी कंपनी में 8 लोग काम करते हैं, 8 लोग तो फिक्स है, बाकी कभी कोई अर्जेंट काम होता है तो एक दो नंबर को और बुलाया जाता है। और मेरी कंपनी का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। अगर किसी को चाहिए तो मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। मैं मयंक को बुलाना चाहता हूँ। मयंक एमटेक कर रहे हैं और वीगनिज्म के बारे में बहुत उत्साह से लोगों को बताते हैं। इन्होंने लगभग मेरे को 90% वीगन बना ही दिया है। व्हाट्सएप मैसेज भेज भेज। अच्छा हाँ, मेरा नाम मयंक भंडारे है, मैं नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ वीगनिज्म के बारे में और नहीं बोलने आया हूँ। मैं अब मेरी इस अकलात के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं अब से आता जाता हूँ, ये मुझे याद तो नहीं है, मतलब मम्मी पापा ये बोलते हैं कि बचपन में मेरा एक हड़ा भाई था और उसकी कैंसर से वो एक्सपायर हो गया था और हम दोनों की अच्छी मतलब एक अच्छा एक बॉन्ड था दोनों में। तो आफ्टर इज डेथ
उनका ऐसा कहना है कि तब से मेरी स्टैमरिंग चालू हुई, तो ऐसा मतलब I personally don't think कि ऐसा कोई रीजन हो सकता है. हर मतलब वो उनका ऐसा एक मानना है कि ऐसा हो सकता है कि that incident kind of triggered it. और मैं जब इंजीनियरिंग में था तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम तो हम अकलाने वालों को तो मतलब कॉमन है. और वहाँ पर एक केमिस्ट्री की मैडम थी एक, तो पहले से उस मैडम की मतलब क्या दुश्मनी थी कि वो जानबूझकर वो अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस आकलन की वजह से मेरी तो मिस हो ही जाती. तो वो मतलब मैं अगर आज मैं उनके पास अगर अटेंडेंस पर्सनली देने भी जाता तो वो बोलती कि आप एड हो गए हो, तो अटेंडेंस आप नहीं लूंगी मैं. तो एक हाइपोलॉजिकल प्रेशर रहता, तो फिर रोज हो गए. फिर टॉयलेट में मैं वो हरिजन मैम मैं प्रैक्टिस करता था. मतलब बाकी के लोग परेशान हो जाते थे कि अंदर प्रेजेंट मैम कौन बोल रहा है टॉयलेट में. तो ऐसा मतलब एक दो साल कंटिन्यूअसली चलता रहा. तो मतलब अभी मतलब ये हिंसा से और अचिन हर से उठकर ये एक्सेप्टेंस आ गया है कि एम्फसिस कम्युनिकेशन पर होना चाहिए. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी भी इस एनसी में मैंने इन पर्टिकुलर रूफ को देखा, तो उनसे भी मैं ये सीख पाया कि एम्फसिस कम्युनिकेशन पर होना चाहिए. और बाकी आप ऐसे आप खुद को आप मतलब प्रेजेंट कर रहे हो उस पर, तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और आज तक मतलब वीगनिज्म की बात है तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने शेयर की है, तो आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वो देखें. और आज तक आपसे वो हो सकता है आप आशीष अरे कि आप वीगन बनने की आप कोशिश करें. आप वीगन है ना? नहीं. वीगनिज्म का मतलब होता है वेजिटेरियन, तो मतलब
आप लोग होते हैं मिल्क को कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मिल्क है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है वो वेजिटेरियन के अंदर उसको भी नॉनवेज के अंदर रखते हैं और इसलिए कि जो मतलब डेयरी इंडस्ट्री में जो मतलब रॉयल्टी होती है वो आज बहुत लोगों को पता नहीं मतलब आता नहीं है ऐसा बोलने से अच्छा लोगों से छुपाया जा रहा है मतलब इतनी सारी दूध की डिमांड फुलफिल करने के लिए आय को कितने बार प्रेग्नेंट किया जाता है फिर उसके फिर बच्चे का फिर क्या होता है अगर अच्छा अगर मेल है तो फिर अदर इंडस्ट्री को बेच देते हैं फीमेल है तो फिर उसके माँ ऐसे ही उसकी फिर जिंदगी होती है हैदर की बात करें तो इंडिया तो वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज में से है हैदर एक्सपोर्ट्स में और ये सब के बावजूद हम हिंदुस्तान में आज गाय को हम गो माता बोलते हैं आयरोमीटर डॉक्टर पाठक आप जब भी तैयार हैं आप इधर मंच पे आ जाइएगा क्योंकि हम लोग की कहानियां असंख्य हैं अनंत हैं आपने सुना होगा हरी कथा हरी कथा अनंता हम लोग कहानियां चलती रहेंगी इसी तरह से तो जब भी आपको लगे कि आप लोग तैयार हैं तो जरूर मंच पे आ जाइएगा और वैसे हमारे पास वीगन पे एक और एक्सपर्ट हैं ध्रुव और ध्रुव भी कुछ बताएंगे आपको वीगन तो ऐसे कितने लोग यहाँ पे वीगन है जस्ट रेज योर हैंड्स हम तो दो ही मेरे ख्याल से हाँ तो मैं जस्ट शेयर क्योंकि आपने पूछा है मैं लाइक छः साल से वीगन हूँ और मेरे पेरेंट्स भी अभी वीगन बन चुके मेरे लिए भी लाइक एनिमल क्रुएल्टी एक रीजन है दूसरा है एनवायरमेंटल रीजन and tisra hai health ke liye and mere hisab se health jo ka jo reason hai kaafi logo ke liye convincing hai like mere parents basically vegan ban gaye for health reasons a plant based diet se aap basically heart disease type 2 diabetes hypertension early stage prostate cancer ko prevent ya even reverse kar sakte hain I can share evidence for the doctors. We can talk more about it through like lifestyle medicine. And personally, I have never felt like I have more energy. I'm more active. I can wake up early, run more, everything. One really good documentary is called The Game Changers. And in that documentary, it shows that lots of professional athletes, including like Arnold Schwarzenegger, and even the guy who won the strongest man in the world award is vegan. So like we say that you know protein kaise milega lekin they can plant uska bhi ek quote hai so somebody asked him how did you become as strong as an ox okay and then because he's like an ox like if you see him he's like he's big right How did you become as strong as an ox? So he said, have you ever seen an ox eat meat? They basically eat plants and they have so much protein. So. Thank you so much.